हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस बाइक का टायर हम खोलने वाले हैं। ये पहले ट्यूबलेस टायर था और इसमें हम न्यू टायर लगाने वाले हैं। ये टायर लगाएंगे, इस साइज है इसका, ट्यूबलेस पहले टायर था इसका 80-118 टायर है। बट ये ट्यूबलेस टायर थोड़ा दिक्कत होता है खोलने में, पहले से ट्यूबलेस इसमें टायर लगा हुआ था और इसमें 318 टायर है। देख सकते हैं साइज यहाँ पे है 318, ये हम टायर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिएगा वीडियो में कैसे टायर खुलता है, उसके प्रोसेस में बताऊंगा। यहाँ से एक जाम नट आता है, ये खोल देना है। उसके बाद आपको फिल्पिंग खोल देना होगा। फिल्पिंग खोलना चाहिए, इसमें हवा होगा थोड़ा मोड़ा, तो इसका हवा निकल जाएगा। हवा निकल जाने के बाद आपको ये ट्यूबलेस टायर है, दिक्कत होगा। इसको टायर लेवल से ही इसको ऐसे मार देना है, ये इसके बाद ये ढीला हो जाएगा क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर, इसी कारण थोड़ा टाइट है। अगर नहीं खुलेगा आप लोगों तो मैंने इसको टायर लेवर से खोल देना है साइड में। इसके बाद इधर भी हम इसको खोलते हैं। ये ढिल्ला हो जाता है, तो हमेशा टायर को यहाँ से नहीं खोलना है, टायर लेवर यहाँ लगाना है। टायर लेवर इसलिए यहाँ लगाना है कि इसका वेल यहाँ पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसका टायर लेवर यहाँ पे हम लगाएंगे। खुलेगा दूर लगाएंगे, उस पर बल ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। 16 तारीख उसके बाद हमको यहाँ से नहीं निकालना, यहाँ से निकालना है। हमारा गड़िया ठीक हो जाते हैं, हम अपना गड़िया ले जाओ, टोटा ठीक कर ले जाओ। इसके बाद हमको यहाँ से ऐसे करना है और ढेर निकाल लेना है ताकि निकल जाएगा ट्यूब, और ट्यूब को निकाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको टायर खोलना है। इसको ट्यूब से बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले स्पेस बनाना होगा, जगह बनाएगा। उसके बाद यहाँ टायर लेवल घुसाएंगे, घुस गया इसमें। उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे मारेंगे, टायर निकल गया ट्रिम से। अब हमको टायर को हमको देखना ही पड़ता है इसमें, अगर ये टायर किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इधर से लगा सकते हैं, इधर से लगा सकते हैं, बट किसी किसी में आपका मिलेगा तीर के निशान, तो उस डायरेक्शन में हमको लगाना पड़ता है। बट इसमें तीर का निशान नहीं है, इसलिए हमको इधर से लगाना है, उसे फिट कर देना। तो हम ट्यूब को बाहर निकालते हैं। इसमें पाउडर मारेंगे, पहले टायर चेक कर लेंगे अच्छा से। टायर में कुछ नहीं है, पाउडर मारेंगे। पाउडर इसलिए हम मारते हैं फ्रेंड्स कि ट्यूब ना, अभी नया टायर है और ट्यूब टायर नहीं सटेगा, जिससे आगे वाले दिक्कत परेशानी ना हो, इसमें गंदा कुछ बन जाएगा, उसका बचाव के लिए हम पाउडर का यूज करते हैं। पाउडर देख सकते हैं इसमें, इसमें पाउडर मारा गया फ्रेंड्स। पाउडर का यूज हम बता दिए। चलिए आप टायर को लगाते हैं, देखिए टायर कैसे लगाते हैं। ये रिम है, रिम के हल्का सा फंसा देंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे ठोक लेंगे, एक साइड हम पैर डाल देंगे सीधा से निकले, इसे मारेंगे हल्का हल्का। इसलिए
रुकिए रुकिए। टायर लग गया, अब हमको इसमें टायर बैठाने का जगह है। टायर अगर हमको भेल घुसाना है इसमें, इस तरह का भेल है, इसको हम इसमें जहाँ जो नट है बेलती लगता है वहाँ घुसा देना है। उसके बाद भी खोल देना है और ट्यूब को अंदर करके पटक देना है दो चार दिन, ये ट्यूब फाइनली अब बैठ जाएगा। अब हमको भेलपिन लगाना है। बेल्टिंग लग गया, अब हम हवा खोलेंगे। हवा खोलिए, पैप लेंगे, पैप लेने के बाद हम हवा डालते हैं जैक्स। टायर इसलिए आवाज़ किया गया कि इसमें चूंकि पहले ट्यूबलेस टायर था इसलिए टायर बैठना इसलिए आवाज़ किया। और देख लेना अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को, और इसमें हवा हो गया। तो आपको हम भेलपिन चेक करते हैं कि हवा तो लीक नहीं है कहीं से भेल से, ठीक है राइट। अब हम की कवर लगा देते इसमें सेफ्टी के लिए। देखिए गाइड, देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं ये टायर बैठ चुका है ऑलरेडी, ये लाइन दिखा रहा है। अगर बराबर होगा तो टायर बैठ चुका है, अगर बराबर नहीं है तो टायर नहीं बैठा हुआ। तो इसके लिए अगले वीडियो में प्रोसेस बताएंगे टायर कैसे बैठाएंगे। देखिए इसमें बैठ गया लाइन, ये टायर सक्सेसफुल, ये टायर फिटिंग हो गया। अब हम कसते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे गाइड। अगर नए हैं आप चैनल पर तो नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी टाइम हम वीडियो हमेशा आपको प्रोवाइड कर देंगे। और टोटल चीज़ आपको बताइए टायर मिस्त्री के लिए क्या क्या सामान होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।